ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हम बना रहे हैं चिकन चीज़ ब्रेड रोल्स। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। इसमें लाना पड़ना है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कि मेरे पास दो आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया, दो छोटे साइज के प्याज हैं जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिए, चार स्लाइसेस हम चीज़ के लेंगे और दो से तीन टेबलस्पून बटर है, ब्रेड स्लाइसेस लेंगे जिनके किनारे मैंने काट दिए, तीन अंडे जिनको बॉईल कर लिया, दो अंडे, दो लेमन, एक कप चिकन जिसको श्रेड कर लिया बॉईल करके, एक से डेढ़ टीस्पून तक ब्लैक पेपर का पाउडर, एक टीस्पून नमक और ये 1/4 टीस्पून ओरिगानो और 1/4 टीस्पून ही रोजमेरी है, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स का एक पैकेट ले लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू मैश करके इसके अंदर हम अंडे डाल के इनको भी मैश कर लेंगे। आलू और अंडों को मैश करके इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। साथ में ये बटर, साथ ही इसके अंदर चीज स्लाइसेस मिक्स कर देंगे। इसको आप हाथ से तोड़ के डाल दें। चेडर चीज है मेरे पास। चेडर चीज के साथ ही हम इसमें प्याज मिक्स कर देंगे। नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च, ब्लैक पेपर, ओरिगानो और रोजमेरी, लेमन डाल देंगे। सीड्स ना आए, अच्छा इन सारी चीजों को हाथ से मिक्स कर लें तो ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हाथ आपके अच्छे से साफ हो। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चीज स्लाइसेस में भी नमक होता है और चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डालना है। ब्रेड के एक स्लाइस को लेके इसको हम पानी में से डिप करेंगे और इसको हाथ पे रख के इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। ध्यान रहे कि स्लाइस टूटे ना। मटीरियल रख के आप इसको फोल्ड करें और इसको रोल की शेप दे दें। जो एक्सेस पानी होगा वो ऐसे निचोड़ने से निकल जाएगा। देखें इस तरह से सारे रोल बना गए।
ये देखिए ये ब्रेड रोल्स मैंने बना लिए, इनको ऐसे बना के तो आपने 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देने ताकि ये ब्रेड थोड़ी हार्ड हो जाए। ये 15-20 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद ही मैंने इनको निकाल लिया। फ्रीजर में रखने से ये होता है कि ब्रेड जब बहुत सॉफ्ट हुई हुई होती है तो हाथ में हैंडल नहीं हो रही होती, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी तो ईजीली वो अंडे में और ब्रेड क्रम्स में फोल्ड हो जाएगी। अब हम अंडों को बीट कर देते हैं। बहुत लाइट हैंड से एक ब्रेड रोल को लेके हम अंडे में कोट करें और इसको फिर ब्रेड क्रम में कोट कर लें। सैंडविचेस वाली ब्रेड लीजिएगा, वो साइज में थोड़ा बड़ी होती है और उसके किनारे कट करा लीजिएगा, लेकिन वो किनारे वेस्ट नहीं होते, उसी के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। उनको ड्राई करें और चॉपर में पीस लें, बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। ये इतनी सी क्वांटिटी में 12 को रोल बन जाएंगे और ये साइजेस इतने काफ़ी बड़े होते हैं। सारे रोल जो है मैंने इनको कोट कर लिए ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ। अब इसको हम फिर 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे ही फ्रीज भी कर सकते हैं, तो किसी पॉलिथीन बैग में जो अच्छे से बंद हो जाए या एयर टाइट जार में डाल के इसको फ्रीज कर लें, और जब आपको फ्राई करने को तो निकाल लें। हल्का से इसको डिफ्रोस्ट किया और फिर इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, इसको फिर बहुत ज़्यादा डिफ्रोस्ट नहीं करना, इसको 5 मिनट के लिए मैं फ्रीजर में रखती हूँ और फिर इसको फ्राई करते हैं। नॉर्मल सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, ब्रेड है बहुत जल्दी सड़ जाती है। बहुत लाइट हैंड से इसको टर्न करिएगा, दो स्पून से पकड़ के, ये टूट ना जाए। और इनको ओवर कुक नहीं करेंगे, के अंदर चीज़ है, फिर वो चीज़ जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर वो ब्रेड को फाड़ के बाहर निकल आएगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इससे। माशाल्लाह से जी हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपने गेट टुगेदर में रखें या अफ्तार पार्टी में रखें, आई होप बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।